बिशन सिंह बेदी के निधन से अमृतसर में गम का माहौल है। बिशन सिंह बेदी के दोस्त दलबीर सिंह भी बेहद दुखी नजर आए। उनके साथ बिताए वक्त को याद कर रहे हैं वो। बिशन सिंह बेदी ने से इनकी मुलाकात हुई थी 1958 में। ये स्कूल में एक साथ ही क्रिकेट खेला करते थे। दोनों की जो दोस्ती थी वो बड़ी अटूट थी और अनोखी भी। आज उनकी मौत की खबर के बाद दलबीर सिंह की आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं। कोई काम होना बिरबा जी शीशे भनते सारे फिर क्लब चल गए बद गए बहुत इंप्रूव किया मुझे क्लब क्लब मैच होंगे सी चंगा मैं भी चंगा सी प्लेयर ये बॉलिंग करता हूँ सी। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों पठानकोट में हैं। शनिवार को वो पंजाब पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने गोल्डन टेंपल में माथा टेका, उसके बाद पठानकोट पहुंचकर 22 अक्टूबर को अपना प्रवचन दिया और इस दौरान एक बार फिर से उन्होंने दे दिया है विवादित बयान। इस बार धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से क्या कहा गया है जरा सुनिए। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। ये जहां भी अपना दिव्य दरबार लगाते हैं कोई न कोई विवाद जरूर खड़ा हो जाता है। इन दिनों ये पंजाब दौरे पर हैं, पठानकोट में श्रीमद् भगवद गीता की कथा कर रहे हैं। इस बीच मीडिया से बातचीत के दौरान इन्होंने सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया जिस पर खूब विवाद हो रहा है। धीरेंद्र शास्त्री ने दरअसल कहा कि पंजाब में सनातन के प्रति बहुत प्यार, पागलपन और एकता है। वो पंजाब में हली उल्लाह वालों को नहीं रहने देना चाहते। बस हमारा ध्येय पूरे भारत वर्ष में अपनी संस्कृति संस्कार के प्रचार प्रसार का है और सनातन के प्रचार प्रसार का है। ये जितनी भी विदेशी ताकतें हली उल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसे, ना मंदिरों में घुसे, ना भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहलाए ना बहकाए। इसीलिए हम केवल जगह जगह जा रहे और हमारा कोई ध्येय बहकाए। इसीलिए हम केवल जगह जगह जा रहे और हमारा कोई ध्येय। इससे पहले भी रविवार को धीरेंद्र शास्त्री का बयान सामने आया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। विदेशी शक्तियां गुरुद्वारों मंदिरों में प्रवेश न करें या निर्दोष हिंदुओं या किसी भी धर्म के लोगों को लालच न दें। मेरा लक्ष्य हमारी संस्कृति और सनातन का संदेश देश भर में फैलाना है। बाबर का नहीं, रघुवर का देश है। रघुवर के देश में जब तक ये विधर्मी लोगों के हाथ पांव नहीं कानून का सिकंजा मजबूत किया जाएगा, ये विधर्मी लगातार भोले भाले हिंदुओं को सनातनियों को जगह जगह जाकर के प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कर रहे हैं, इस पर विशेष कसाव नहीं होगा तब तक इस देश में यह परिस्थिति निर्मित होगी। धीरेंद्र शास्त्री यही नहीं रुके, इन्होंने धर्मांतरण को लेकर देश में सख्त कानून बनाने की भी मांग की। उनका कहना है कि जब तक देश में सख्त कानून नहीं बनाया जाता तब तक निर्दोष हिंदुओं को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता रहेगा। पंजाब पहुंचने के बाद धीरेंद्र शास्त्री सबसे पहले स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद पठानकोट आए। यहां उनके 3 दिन के कार्यक्रम का आज आखिरी दिन था। पठानकोट से पवन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देश में दशहरा उत्सव मनाया जाएगा मंगलवार को और इस दिन बुराई के प्रतीक रावण का पुतला फूंका जाएगा। लेकिन बठिंडा में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने पंजाब सरकार की रावण से तुलना करते हुए एक दिन पहले ही पुतला फूंक डाला है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जीरकपुर नेशनल हाईवे को जाम किया और रैली भी निकाली। पंजाब सरकार के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बठिंडा में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने बताया कि दशहरे के दिन रावण का पुतला फूंका जाता है, उसी तरह दशहरे से एक दिन पहले उन्होंने सीएम भगवंत मान का रावण रूपी पुतला फूंका है। इनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन सरकार बनने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ
यह चलता रहूगा जो तक सरकार साढ़े नाल डाइनिंग टेबल से बैठती नहीं गई। भगवंत मान मुख्यमंत्री साढ़े मीटिंग करके किसी साढ़े मसले हल नहीं करता उदों तक संघर्ष जारी रहूगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पिछले काफी समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार भगवंत मान सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। इनका कहना है कि ठेका कर्मियों को पक्का करने की बजाय उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, इसलिए पंजाब सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लगातार 18 बार मीटिंगा देके सरकार मीटिंग तो भजी आ, इस करके अज सरकार दे पुतले फूके जा रहे ते आउण वाले दिनां च असीं पिंडां च वी मार्च करांगे 5 तरीक तो लैके 25 तरीक तक ते नवंबर दे महीने वड्डा इकट्ठ करांगे पंजाब च जाम लावांगे। सिर्फ जिवें पिछलियां सरकारां सी उदों वी पुतले फूके, सिर्फ चेहरा बदला जिहड़ा पुतले ते लाया बादल सी, फिर कांग्रेस सरकार आ गई, अज भगवंत मान। ये गुस्सा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से मीटिंग के लिए सीएम भगवंत मान कई बार तारीख तय कर चुके हैं लेकिन हर बार आखिरी वक्त में मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। हालांकि मंत्रियों के साथ कई बार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की मीटिंग हो चुकी है लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका। अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कह रहे हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बठिंडा से कुणाल बंसल के साथ आज तक। मोहाली में फायर ब्रिगेड यूनियन ने भी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और इस दौरान करीब 1800 कर्मचारियों ने चंडीगढ़ लुधियाना नेशनल हाईवे को जाम किया। यूनियन के नेताओं का कहना यह है कि पंजाब सरकार फायर ब्रिगेड में कर्मचारियों को स्थायी करने की बजाय नई भर्तियां कर रही है। चंडीगढ़ लुधियाना नैशनल हाईवे से अज फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने धरना लाया। इस वक्त तस्वीर देख सकते हो पूरा जो हाईवे है ये जाम कर दिया गया है। इन्हां दी मंगा ने भी जिहड़े कच्चे कर्मचारी सी उन्हां नूं पक्का किया जाना चाहिए। साडे नाल इस वक्त सुखदीप सिंह मौजूद ने। सुखदीप जी, प्रमाण पत्र लैके सड़कां ते पहुंचे हो, क्या कारण है? सर प्रमाण पहली गल तो जी असी भरे मन नाल इह कहना चाहुंदे हां जी असी सड़कां ते लोकां नूं परेशान करके राजी, पर जदों सरकार साडे नाल वादे करके दोबारा मुकरदी आ तां सानूं सर बड़ा दुख हुंदा। देखो 10,000 रुपया साडी सर सैलरी आ जिन्ने भी साडे वीर बैठे ने, तो जे असी 10,000 की असी कैलकुलेशन करिए 320 रुपये दिहाड़ी है जबकि 500 रुपया मजदूर की दिहाड़ी चल रही है। वो भी सानू सर तनखा टाइम नाल नहीं मिलती। असी ये तो दुखी होकर यह प्रोटेस्ट किया सर, सारे बंदे सारे मुलाजम ने असी दुखी होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं भी एक तो सर साडी तनखा वधाई जाए, एक सर पक्की भर्ती दे विच सानू छोट दिती जाए, ठीक है जी, ते तीजा सर सानू कॉन्ट्रैक्ट ते कीता जावे। साडे बठिंडे जिले दे डिप्टी कमिश्नर साहब मानयोग डीसी साहब ने सानू 1 अगस्त नू हाजिर कराउण जिहड़ी कि बहाल करन दा प्रोमिस कीता सी वी असीं सानू 1 तरीक नू हाजिर कर लांगे, वह भी आपके वादे तो मुकर गए, साडी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हुण असीं तुहाडे जरिए प्रशासन नू बठिंडे जिले के प्रशासन नू भी दसना चाहुंदे आ वी जे साडा मसला हल ना कीता इस तों बाद असीं बठिंडा जिले के विच रोड जाम करांगे। तो तस्वीर देख सकते हो यह खरड़ नैशनल हाईवे की तस्वीर जिथे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों वालों वड्डी कट किया गया है अपने मंगा लैके, जिन्हें साफ तौर पर यह कहना है कि जेडे आउटसोर्स मुलाजम ने जेडे कच्चे मुलाजम ने उन्होंने जल्द पक्का किया जाए, जे पक्का नहीं किया गया तो जल्द वड्डा रुख किया जाऊगा। बरनाला में बीती रात कबड्डी खिलाड़ियों ने पुलिस कांस्टेबल दर्शन सिंह की हत्या कर डाली। जानकारी के मुताबिक दर्शन सिंह चिकन कॉर्नर पर झगड़े की सूचना के बाद बतौर जांच अधिकारी वहां पहुंचे थे। आरोपियों से उसकी कहानी सुनी हुई और इस दौरान उन्होंने पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर डाला। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है। बीते कल शाम करीब 9:30 बजे थाना सिटी बरनाला विखे एक इतलाह मसूल हुई सी कि बरनाला दे 25 एकड़ मार्केट विच एक चिकन की शॉप के उत्ते कुछ व्यक्तियों का उस शॉप के मालक के नाल कुछ पैसों के लैण देण नूं लैके झगड़ा होया सी ते दोनों पासों काफ़ी बंदियां दी आपस में जिहड़ी उत्थे लड़ाई हो रही थी ते साडे सिटी बरनाला दा जिहड़े ड्यूटी अफसर है वह मौके पर पहुँच गए थे। उन्होंने वालों जाके उन्होंने दोनों पार्टियां नूं जो लड़ रही सी उन्होंने हटाने की कोशिश की गई। इस बार देश का सबसे बड़ा रावण पंचकुला के सेक्टर 5 के ग्राउंड में तैयार किया गया है। 171 फीट ऊंचा रावण बनाने का काम पिछले 3 महीनों से चल रहा था। इस रावण को तैयार करने वाले तेजिंदर राणा ने ही साल 2019 में चंडीगढ़ में सबसे ऊंचा रावण तैयार किया था जिसे देखने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। इस बार देश का सबसे बड़ा रावण पंचकुला के सेक्टर 5 के ग्राउंड में तैयार किया गया है। 171 फीट ऊंचा रावण बनाने का काम पिछले 3 महीनों से चल रहा था। इस रावण को तैयार करने वाले तेजिंदर राणा ने ही साल 2019 में चंडीगढ़ में सबसे ऊंचा रावण तैयार किया था जिसे देखने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। इस बार देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा रावण
पंचकुला के सेक्टर 5 में बनकर तैयार किया गया है। पिछले 3 महीने से इसका काम चल रहा था और आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि 171 फुट इस रावण को तैयार कर दिया गया है। किसने ये रावण तैयार किया और पिछले 35 सालों से तेजेंद्र सिंह राणा जिन्होंने ये रावण तैयार किया है, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, आइए एक बार तेजेंद्र सिंह राणा से ही आपकी मुलाकात करवाते हैं। तेजेंद्र जी, कितना समय लगा इस रावण को बनाने में? इसको बनाने में 3 महीने का टाइम लगा है और 25 आदमियों की मेरी टीम इसको लगी रही और लगभग 18 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया और इसको रिमोट कंट्रोल के द्वारा दहन किया जाएगा और इसमें 12 पॉइंट रिमोट कंट्रोल के सेट किए गए हैं इसको दहन करने के लिए। जब जो चीफ गेस्ट हैं वो पहले बटन को प्रेस करेंगे रिमोट कंट्रोल के, तो इसके छतर में ब्लास्टिंग होगी, फिर इसके मुकुट में ब्लास्टिंग होगी, फिर इसके चेहरे में ब्लास्टिंग होगी, फिर तलवार, फिर ढाल, फिर जो लास्ट के बटन हैं वो इसके रावण के पैरों से अग्नि प्रज्वलित करके इसको अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है तेजेंद्र जी, जो ये पूरा इतना बड़ा रावण आपने बनाया है, वैसे तो 2019 में आपने 221 फुट का भी रावण बनाया था, क्या ये जो रावण है किसी तरह का कोई प्रदूषण तो नहीं होगा इससे? इसको देखिए, जिस स्ट्रक्चर में आग लगती है जाहिर बात है कि वो प्रदूषण तो फैलाएगा ही, लेकिन प्रदूषण कम फैले इसके लिए प्रयास किए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण जो फैलाने में मुख्य भूमिका निभाता है वो जो एक्सप्लोजिव इसमें लगे होते हैं क्रैकर्स, वो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। तो कमेटी की तरफ से हमें ये निर्देश था कि कम से कम प्रदूषण फैले उसके लिए इको फ्रेंडली आतिशबाजी तमिलनाडु के शिवकाशी शहर से स्पेशल ऑर्डर पे तैयार करा के मंगाई गई है, जो इसके बीच में आज रात को लगा दी गई है और वो दूसरी आतिशबाजी के मुकाबले में 75% कम प्रदूषण फैलाती है। ठीक है, कितने बजे है इसका दहन है वो किया जाएगा? कल लगभग 6 बजे के करीब इसका दहन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस बार देश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा रावण है, 171 फुट का, लगभग 18 लाख रुपए का खर्च इसमें आया है। पिछले 3 महीनों से 25 लोगों की जो टीम है वो इस रावण को तैयार कर रही थी। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में, प्रतीक में दशहरा जो पर्व है वो मनाया जाता है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप सेक्टर 5 पंचकुला से देख रहे हैं।